बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान रेसिपी जिसका नाम है लहसुन और दूध की कढ़ी। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें प्याज नहीं शामिल किए जाते। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा काम कर दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दूध 1.5 किलो, लहसुन 3 अदद कटे हुए, बेसन 2 खाने के चम्मच, टमाटर 1 अदद, लाल मिर्च पाउडर 3 चाय के चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, ऑयल 1 कप। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ऑयल शामिल किया है। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए फिर इसमें लहसुन शामिल करेंगे और इसे थोड़ा फ्राई करेंगे। लहसुन मैंने 3 अदद लिए हैं, वो भी बड़े बड़े लिए हैं। जब लहसुन फ्राई हो जाए तब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। और आप देखें, लहसुन फ्राई होने की निशानी ये है कि लहसुन ग्रीन हो गया है, तो समझ जाएं कि लहसुन फ्राई हो गया है। फिर बाद में इसे टमाटर डाल दें। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे बाकी अज़ा बाद में शामिल करेंगे। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और थोड़ी देर के बाद हिलाने के बाद इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। फिर इसे हिला लेंगे, फिर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। सब मसाला जार डालकर अच्छी तरह हिलाएं। जब इनको अच्छी तरह हिला के फिर बेसन को पानी में घोल कर वो शामिल कर देंगे और साथ में दूध भी शामिल कर देंगे। अब एहतियात रह के चमचा मुसलसल हिलाना है। थोड़ी देर हिलाने के बाद कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। कढ़ी को उबाल आ गया था, फिर मैंने आँच आस्ता कर दी थी। और लहसुन और जो दूध की कढ़ी होती है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और दूध आपको वैसे ही पता है इंसान की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ऐसी रेसिपी ट्राई किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अब हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, कितना प्यारा कलर आया है। अब मैं इसे प्लेट में सर्व करूंगी। अब हमारी लजीज और मज़ेदार सी रेसिपी दूध और लहसुन की कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।